पर आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो हम देखने जा रहे हैं, इस तरह की वीडियोस मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। कौन सी वीडियो है, टाइटल बताएंगे मौज। टाइटल है दूरदर्शन 1980s क्लासिक एड्स पार्ट 4। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले। इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मुझे ये आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मेरे खाओ गगन रहो मगन। क्या देसी मैं डालता या ये वो है ना गगन ही खाओ। अरे वो एक्ट्रेस गगन ही खिलाओ। नीना गुप्ता जी। नीना गुप्ता जी। पहले भोजन फिर भजन, पहले मंगनी फिर लगन। गगन में तलो ऐसे नहीं खाते। गटक लड्डू ना गगन में तलो, गगन में पकाओ, गगन ही खाओ, गगन ही खिलाओ। जलेबी वो भी एक्टर थे भी शेख ना। तो जलवाए जलवा साथ जो रहे यार गगन वनस्पति। आपके भोजन की तारीफ का राज गगन वनस्पति। वनस्पति, हम वनस्पति बोलते हैं। A man's most important relationship is with his body. You give a lot, you take a lot. God. ये किसी चीज़ की है? पता नहीं। चमन प्रास की तो नहीं? पता नहीं, कुछ स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही लग रही है। Every time you sweat, you lose vital body source. Okay. That's when your body deserves Staminade. Oh, that's a formula of all your vital body source. Staminade restores your natural balance of fluids and vital body source. Oh, that's. Staminade puts back what sweat takes out. Ready, Divya? Ready. Let's go. Britannia glucose D, sweet and crisp and tasty. Okay. Glucose D ka hai. Britannia glucose D to give young champs winning energy. Britannia glucose D, rich in glucose to give young champs winning energy. After winning match, there's nothing like my favorite energy biscuit. Delicious Britannia glucose D. Right, Mom? Britannia glucose D, the energy biscuit of the young champ. यार ये ब्रिटेनी के ऊपर किस बच्चे की पिक्चर होती थी? अच्छा ये मुझे लगा कुछ पावरफुल है। ये दूध है मेरा बॉर्नविटा टाइप मेबी ऑर्डर मिल गया तो हाँ न्यूट्रिशन हाँ जो कम रहती है इंसान इंस्टेंट नेस्प्रे हाँ क्रीमी tastier milk for the growing years. मैं देखा तो वाकई होता था। मिल्क पाउडर है। हाँ वही ना। रीले वो कैमरे की रील की है। Can I take another picture? Color picture. Sure, I've got an exciting new film called. I know Piccolo. Piccolo? Piccolo, silly. When you want beautiful color pictures. Charlie? Oh, Charlie! Piccolo color negative film. The results are surprising. ज़्यादा ही पुरानी लग रही है। उपटन की है क्या? शायद। ये भी एक्ट्रेस लग रही है मुझे ना। ये निखार आया है गुणकारी हल्दी और चंदन से, जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया। बीको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम हल्दी और चंदन के गुणों का संगम है। बीको टर्मरिक
ही कॉस्मेटिक्स देखो टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम तीन मुहासों को तड़के मिटाए हल्दी चंदन के गुण इसमें समाए त्वचा की रक्षा करे आयुर्वेदिक क्रीम देखो टर्मरिक मान्यता प्राप्त औषध गाना शुरू हो रहा है कुदरत कहिए या प्रकृति हम सब इसी से जन्मे हैं और इसी से जैसे आयुर्वेद जो हमें सही और स्वस्थ जीवन की राह दिखाता है कुदरत ने अनेक लाभदायक जड़ी बूटियां भी दी हैं जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया सेब का वैसे क्या होना था वज्रदंती यहाँ पर मिल रहा है डिंग टॉनिक याद है जड़ी बूटियों से बना संपूर्ण स्वदेशी टूथ पाउडर टूथपेस्ट देखो वज्रदंती कुदरत हमें कितने प्यार से कितना कुछ दे दिया ये जीवन शिशु मुस्कान और ये बचपन के दांत भी यदि इन दांतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो दोबारा आने वाले दांत भी मजबूत और निरोगी होंगे दांतों की सही सुरक्षा के लिए कुदरत ने कई अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पेस्ट और पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है आयुर्वेदिक वीको वज्रदंती से दांत और मसूड़े तो मजबूत होंगे ही आपका जीवन साथ भी देंगे वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक वीको वज्रदंती अच्छा वो चेंज होते हैं ना शेप आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपना कर थोड़ा सा चेंज है इसमें म्यूजिक वीको पाउडर दांतों को निरोगी रखे वज्रदंती वीको वज्रदंती कुदरत हमें कितने प्यार से कितना कुछ देती है ये जीवन ये मुस्कान और ये बचपन के दांत भी यदि इन दांतों की सुरक्षा सही ढंग से की जाए तो दोबारा आने वाले दांत भी मजबूत और निरोगी होंगे दांतों की सही सुरक्षा के लिए कुदरत ने कई अनमोल जड़ी बूटियां दी हैं जिन्हें आयुर्वेद ने औषधि के रूप में अपनाया वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक पेस्ट और पाउडर ऐसी ही 18 जड़ी बूटियों से बनाया गया है आयुर्वेदिक वीको वज्रदंती से दांत और मसूड़े तो मजबूत होंगे ही आपका जीवन साथ भी देंगे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को अपना कर वीको पाउडर दांतों को निरोगी रखे वज्रदंती वीको वज्रदंती नहीं सेपा का टॉप टूथपेस्ट है ना बेहतर स्वाद हाँ पापा और ज्यादा झाग भी और वही भरपूर ताजगी लेके ताजगी है आई आपके सांसों में समाए बेहतर स्वाद ज्यादा झाग नई सेपा का टॉप खबरदार मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा अबे जा ये सिबा का फ्लोराइड वाले स्ट्रॉन्ग दांत है देख सिबा का सड़ जाएंगे सिबा का खाएगा जा ये आप आ रहे हैं कहे काम से मुझे लग रहे हैं मुझे वही लग रहे हैं चलो ब्रश करो सिबा का फ्लोराइड मजबूत दांत जो हमेशा रहे Egg. Eggs for taste. Eggs for fun. Eggs are good for everyone. Eggs, 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 eggs. Boiled eggs, fried eggs, omelets, beaten up eggs. Bale, kamalda egg. Any time of the year. Egg. Any time of the day. Egg. Eggs are health. Eggs are strength. Eggs taste great. Eggs are fun. Eggs to work. Eggs to play. Eggs, 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 eggs every day. Boiled eggs. Fried eggs. Omelets. Eggs, eggs, eggs for everyone. मुझे ऐसे लगा एक ग्लिम्प आया सूप्स रेडी ओके उस टाइम नो मटन चिकन फॉर मी हे व्हाट डू यू थिंक मम इज अ रेस्टोरेंट नो आई एम समथिंग बेटर हियर यू आर टोमेटो मटन चिकन मम्मी डैडी वी थिंक ऑल आवर सूप एंड हियर इज योर्स मिक्स्ड
vegetables. My mother's was a bit better. Ha! Huh, you mean kids better. It's great to have kids around. हमारे घर वालों को पता भी नहीं होगा बड़ों को. Hey, mom, what's cooking? Nothing. Mmm, smells terrific. I'm hungry. Out of the kitchen, everyone. Wow, idli, vada, dosa. Wow. Top fried egg. You're right, you greedy hawk. Wow, it's super food. Did my mother cook it? No, she didn't. I don't believe it. Now get out of here, everyone. It's great to have gits around. Everybody, close your eyes. I'm making a surprise. But mommy, what is it? Look, daddy's peeping. No, I'm not. Jalebi. So are you. Wow, glove jalebi. Stop grabbing. Mommy, daddy's eating them all. No, I'm not. I've left half a piece. Stop it. You're making a mess all over. They're almost as good as my mother's. Oh, she must have used gits. Gits? Who's he? It's great to have gits around. ये भी एक्टर बल्ब जी है दिख रहा भूल तो नहीं इसी बल्ब लाओ जो दिख रहा साहेब भूल जाइयो इसी बल्ब लाइयो बस में भी भूल जाना किसी की बल्ब लाना भूल देना अच्छा डिफरेंट डिफरेंट तुम देखो लैंग्वेज अब ये आ गया ना बंगाली ज्यादा से उछाला तीनों दिन चलने वाला किसी की बल्ब और किसी अच्छा है ना पूरी कंट्री को ही देख लो एक तरह से वही है ना ये रेडियो वाला ये मैं वैसे देख रही है जापान माल रेडियो कैसे आईसी अरे बाप क्या वॉल्यूम है वॉश भी है क्यू रिव्यू भी है ऑटोमेटिक शटर टेप काउंटर साहब यू सेल मी दिस सेल मी जापान माल 1800 रुपीस नो 2000 rupees cash. No. This is a very good set. Bush Baron, made in India. I bought it from there. Okay. Hmm? Now available in two models. Bush, the number one, two in one. Yeah, the American company has also an old radio. Let's see which company it is. Here, look. Latest. Arey Murga. Acha. Hatna, bhai, zara. Putme. Welcome, sir. Welcome. One bargain, Japan Mal, very good. Radio cassette, two in one. Are you sure it's Japanese? Sure, pure Japan Mal. See the quality, Bush radio cassette. Kitna? Very cheap, only $200. Cash. Ek minute. Hmm? Chale. Bush, the number one, two in one. $200. Sendra ji, I'm going to get out of here. I'm going to get out of here. हटो जी खुद तो 3 साल के लिए अंदर हो गए और जाते जाते हमारा बुश रेडियो कैसे रिकॉर्डर भी साथ ले गए भाई ये एड्स देख ना मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है वो जरूर नॉस्टैल्जिक हुए होंगे कुछ ना कुछ जो है ना वो देखकर अपने बचपन की जरूर याद आएगी और जो नॉस्टैल्जिक नहीं हुए उनको चाहिए कि वो पुराने वाले एड्स जरूर देखें कितना मजा आता था मुझे तो वैसे एड्स देखने का बहुत मजा आता है लेकिन पाकिस्तानी एड्स नहीं ऑनेस्टली बताऊं क्योंकि हमेशा हम ये बात करते हैं पाकिस्तानी एड्स ने ज्यादा मतलब आपको मजे के नहीं लगते कुछ एड्स होते हैं जो बहुत आपको पसंद आते हैं बट इंडियन एड्स हम लोग अक्सर देखते होते हैं ना तो मतलब बीच में आप जैसे कोई भी सीरियल देख रहे हो तो गैप मतलब वो गैप कह रही हूँ एड्स आते थे तो आप उसको भी इंजॉय करते थे खैर 80s के ये वाले एड्स तो मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने भी ये वाले देखे हुए हैं सवाए एक वो रेडियो वाला मैंने देखा था क्या से बोलते हैं एड जो कि मुझे लगता है कि वो भी हम लोगों ने ऐसे यूट्यूब जर्नी में ही देखा है
बट भाई बहुत सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पर भी आपको मिलती थी, मतलब ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कन चीज़ थी, जैसे कि सूप की बात करूँ, सूप, डोसा, गुलाब जामुन, जलेबी, सारा कुछ तकरीबन, मतलब रेडी टू कुक चीज़ें जो हैं वो काफ़ी टाइम से मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये कि हमारे बड़ों को इतना पता नहीं था उस टाइम। हमारे बड़ों को यखनी का ही पता था, अभी ये कह रही हमारे बीमार हो गए, यखनी, सर्दी लग रही है, यखनी, कुछ भी हो रहा है, यखनी। एक बात अच्छी है वो मैं ये बोलूंगी कि ना मतलब होम मेड चीजें जो आप अपने घर में खुद तैयार करते हो उसमें कुछ इस तरह से आपके लोग के प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते तो वो ऑब्वियसली ज्यादा हेल्दी रहती हैं चीजें, क्योंकि आजकल के टाइम देखें तो ज्यादातर हम लोग यही वाले फूड ऑलमोस्ट सब लोग खा रहे हैं तो वो इतना हेल्दी भी नहीं कंसीडर किया जाता। लेकिन शुरू में मैं ये बोलूंगी कि उस टाइम पर एक तो लोगों को इतना पता नहीं होता था, दूसरा लोगों को ना वो शौक भी नहीं होता था खरीदना, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जैसे हम लोग पहले वाला एड देखा ना घी का, तो अब्बू मुझे बताते हैं कि पहले लोग गाँव में, सारे गाँव में लोग जो है ना वो देसी घी जो है वो इस्तेमाल करते थे, फिर जब डालडा आया ना तो अब वो कहते हैं कि शुरू में लोग छुप छुप कर इस्तेमाल करते थे कि मतलब किसी को पता ना चल जाए, लोग माइंड ना कर जाएं कि मतलब भाई इन्होंने हमें देसी घी में खाना नहीं खिलाया। और अब अगर देखें तो अब देसी घी में लोग दोबारा से खाना चाहते हैं, बट आपको एक दो देसी घी मिलता नहीं है उतना प्योर, और दूसरा ये कि आपकी पहुँच में भी नहीं उतना होता, और डाल्डा ऑयल जो है वो लोग ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां भी जो है ना वो उनको ज्यादा लगती हैं। यार मेरा ख्याल है गांव में ना कोई भी चीज़ें जो है ना वो भी ट्रेंड के हिसाब से चलती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम एक दफ़ा गांव गए थे, तो खैर आपको पता बोतलें शोतलें जो है वो गांव में बड़ी देर से इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई हैं, तो एक ना वो जैसे जैसे सोडा बोतल मिलती है ना उस तरह की एक बोतल, पता नहीं क्या उस बोतल का नाम मेरे जहन से निकल गया है, तो जिस घर में जाओ सारे वही पिला रहे वही पिला रहे, अखीर जो है ना एक घर में जाके भैया अब मेर बने अभी वो वाली बोतल ना मंगवाना, फिर उन्होंने कोको कोला मंगवाई थी। तो मेरा ख्याल गाँव में जो है ना एक ट्रेंड जो चल रहा है ना ऐसे, तो वो सारे जो है ना उस साइड पर जो है वो जाना शुरू हो जाते हैं। बाकी हाँ भाई रेडियो की एड्स की बात करें, मैंने नहीं थी देखी, लेकिन एंड पे बेचारे रेडियो वाले के साथ जिस तरह हुआ बुरा हुआ बेचारे के साथ। वो बुरा हुआ, मतलब ऐसे लोगों को करना चाहिए। अरे अच्छा नहीं, मैं बाप, वो बाप को छोड़ के रेडियो की तो उसकी और बच्चे भाग गए। अच्छा एक चीज मैं बोलूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना मतलब जैसे ट्रेंड की बात मौसम ने की ना, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने ना हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ के तो ये जो नया ट्रेंड, इवन कि मैं अभी आई थिंक आज या कल ही मैं एक ऐसे क्लिप देख रही थी, उसमें भी ये चीज उन्होंने बोली, मतलब गोरे खुद ये बात बोलते हैं कि जब से मतलब वेजिटेबल ऑयल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, लाइक स्पेशली अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई हैं, जबकि उससे पहले जब लोग देसी घी या घी इस्तेमाल करते थे उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी हेल्थ की इतनी ज़्यादा। तो देखो ये चीज़ें अब हम लोगों को खुद डिसाइड करनी है। बाकी जैसे वो ORS की बात करें या फिर साथ में हम लोग बल्ब की बात करें, रेडियो बिस्किट की बात करें, हाँ तो मतलब ये काफी पुरानी आपको यू नो एक उस टाइम के लिहाज से आप इंजॉय करते हो, और पीछे से ना जो एक आवाज आती है ना ऐसे मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ तो मुझे जो है ना एक बोरोप्लस की एड्स जो हैं वो याद है, फिर उसके बाद जो यहाँ पे कैंडीलैंड की एक एड्स होती थी, कैंडीलैंड की चॉकलेट नाव बस उड़ जाती थी उसमें हवा में, और जो है फिर उसके बाद वीको वज्रदंती जो है वो भी, फिर उसके बाद डिंटोनी की एड्स, लिम्का की एड, थम्स अप की एड्स, ये जो बचपन में कुछ एड्स देखी हुई है ना वो मुझे याद है सारी। पेयर्स की भी मुझे याद है, पेयर्स की भी मुझे एड्स बहुत अच्छी लगती थी, संतूर, विम, और फिर उसके बाद वो एक आया नया उजाला चार बूंदों वाला, और एक और भी था यार टाइड है तो वाइड है, हाँ वो एकदम से टाइड ऐसे जाता होता था, तो काफी सारे एड्स हैं जिनको देखकर आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। बाकी खैर आप में से भाई कौन कौन इस टाइम को मिस करता है, जो जिन लोगों ने अपने बचपन में देखे जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स में, और फेवरेट एड आपका कौन सा होता था वो भी जरूर बताइएगा, और इसी के साथ हमें जल्द मचाल करें वीडियो। गुड बाय।